अच्छे वक्तों में बना लिए थे कसम से। उसके अब्बा ने तोहफा दिया था मुझे, आज तक संभाल के रखा हुआ है। अरे मामा तो दिखा, बड़ा जेवर संभाल कर रखा है तुमने। हाँ मुझे तो भनकने लगने दी तूने। इधर देख, खेलने का सामान नहीं है ये, सारी जिंदगी की जमा पूंजी है तेरे लिए छुपा के रखी हुई, कब्र में थोड़ी लेकर जाऊंगी। बड़ी कोई खजाना छुपा के रखा है, ये चांदी का एक मामूली सहार और दो कंगन, ये देगी तू मुझे जहेज में। दाका शुक्र अदा कर, ये अच्छे वक्तों में मैंने बना लिए थे। आजकल के दौर में सोने का छल्ला बनाना इतना मुश्किल है, अमीर अमीर लोग अपनी बेटियों को पीतल की चीजें चढ़ा रहे हैं। सोने की कीमतों का पता है, आसमानों को छू रही है। अस्तग़फ़िरुल्लाह, सोना तो सोचे भी ना बनता। शुक्र करो ये तुम्हारे अब्बा ने मुझे तोहफा दिया था, मैंने संभाल के तब से रखा हुआ है, और ये अपनी ये शादी का एक छोटा सा सेट है, ये भी तुझे चढ़ाऊंगी। और तो और मैंने बख्तियार को भी कह दिया है कि ऑफिस से कुछ 5-1 लाख का कर्जा ले लेगा, हो जाएगा सब। 5 लाख? आज फिर 5 लाख से शादी नहीं होती, उससे कह दो कम से कम 10 लाख का अरेंजमेंट करे, फिर होगी कहीं ढंग से शादी। 10 लाख? पागल तो नहीं हो गई हो? 35,000 बेचारे की तनख्वाह है, 10 लाख का कर्जा लेने उतारेगा कहाँ से? मुझे एक बात बता, तेरे पास प्राइस बॉन्ड भी तो थे, वो कहाँ छुपा कर रखे हैं, कितने हैं? अरे 4 हैं। बस 4? 25,000 के 4 प्राइस बॉन्ड, 2 तेरे नाम से लिए और 2 बख्तियार के नाम से। काश निकल आए हमारे तो वारे न्यारे हो जाएं। एक पे 50 करोड़ का इनाम है और दूसरे पे 2.5 करोड़ का, लेकिन निकले तब ना। हाय अल्लाह, बस अल्लाह करे निकल ही आए अब तो। हमारे ऐसे नसीब का, हाँ इतना नसीब को कोसना ना अच्छी बात नहीं होती, तकदीर को बदलते हुए देर नहीं लगती, और वैसे भी नसीब को बदलने के लिए, तकदीर को बदलने के लिए थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है, ऐसे खुद ही नहीं बदल जाती जैसे मैं मेहनत कर रही हूँ। वैसे नसीब बदलने के लिए तू क्या कर रही है? मेहनत कर रही हूँ, एक बड़े से घर में जाने की प्लानिंग कर रही हूँ मैं। बस प्लानिंग ही करती रहना। अच्छा ना तो ये सारी बातें छोड़, मुझे ये बता कि जो तूने प्राइस बॉन्ड रखे हुए इन्हें कभी निकाल के चेक भी किया है? कभी अखबार में नंबर मैच किया है? क्या पता तेरी लॉटरी निकली हो। अरे मेरा तो दिल ही टूट गया, मुझे तो भरोसा ही नहीं है इन लोगों पे, मैंने कभी नहीं देखा। हमारे कहाँ निकलेंगे ये लोग अपने प्यारों के निकालते हैं प्राइस बॉन्ड, हमारे थोड़ी निकालते हैं। वो कहते हैं ना अपनों को रेबड़ियाँ बांटते रहते हैं। अरे माँ ऐसी कोई बात नहीं है, अभी कुछ दिन पहले ही मेरी एक दोस्त का 10 लाख का प्राइस बॉन्ड निकला, ऐसी बात नहीं है। और तुम मुझे एक बात बता, ये रखे रखे 4 से क्या 8 हो जाएंगे? निकाल कभी उनको नंबर मैच करके देख, हो सकता है प्राइस बॉन्ड लग जाए। और बल्कि तुझे पता है क्या, मैंने वो कहीं पढ़ा था कि इसी हफ्ते प्राइस बॉन्ड लगने वाले हैं, तो वो उसकी लिस्ट आएगी नंबर की, जो भी होता है क्या पता हमारा भी निकल जाए। हाँ हो तो सकता है, तो ऐसा कर बख्तियार को कह के ना अखबार लेता है, फिर देखते हैं। भाई को कहने की क्या जरूरत है, मैं खुद ही जाती हूँ अभी नुक्कड़ से अखबार लेकर आती हूँ। हाँ ये भी ठीक है, हो सकता है कभी अल्लाह को रहम आ ही जाए हम। तो इसको संभाल, मैं जा रही हूँ, जल्दी से लेके आ। यूं जा यूं आ। आ रही हूँ। या अल्लाह हमारा इनाम निकल आया ना कभी कसम से, सारी मुश्किलें आसान हो गई मेरी तो।